के दरबार अनवर मुनवर में हम सब हदियाः असलात वसलाम पेश करें असलातलम का या सैदी या रसूल अल्लाह वाला वली का वबी का या सैदी या हबीब अल्लाह करीम इबन करीम सैद इबन सैद मौलाबन मौला, मौला राब दोश मुस्तफा अक्स जमाल मुस्तफ़ा तनवीर मुस्तफा तसवीर मुतफ़ी जिगर गोजा मुतजा नूर नज़र हजरत बतूल जहरा सरकार सैदना इमाम हसन मुज़तबा, अला जद्दिल करीम अलैहि सलातु व तस्लीम हमारे आका व मौला व सलाम के आंगन मुबारक में वो पहली बहार हैं कि जब आका व सलाम के दोनों साहब हकीकी बेटे एक के बाद एक इस जहाँ से पर्दा फरमा गए तो कुफ़ारो ने मक्का खुश हुए कि दुश्मन हमेशा खुश ही हुआ करता है और वो ये कहने लगे हजूर अस्लाम के लिए कि माद अल्लाह ये अबतर हो गए हैं अबतर उसको कहते हैं कि जिसकी आगे औलाद का सिलसिला ना चले अच्छा जी प्लीज़ भाई साहब भाई साहब ये मेरे वाली बोतल भी उठा लें अब ज़िक्र पाक शुरू हो गया है और ये वक़्त तकरीर ख़त्म होने का वक्त है और ऐसा ना हो कि क्या मैं आज कर सकता हूँ ब्रेक की गुंजाइश नहीं है भाई साहब के दोनों साहब का जब विशाल हुआ तो ने मक्का ये कहने लग गए हजूर का नाम लेकर के अल्लाह ये अबतर हो गए अबतर वो कि जिसकी आगे औलाद का सिलसिला न चले तो मेहरबान ने फरमाया इन नशा अकहुल अखल अब तर हबीब तेरा ज़िक्र रफ़ी तो हमेशा रहेगा अब तर बे नसला तो वो है जो तुझसे कट गया तेरे दामन से जुदा हो गया जो तुझसे अदावत पार रहा है जिक्र भी उसका नहीं रहेगा होगा भी तो हमेशा बदनामी के साथ उसके बाद हजूर वसलाम के आंगन में हजूर के गुलशन करम में आपकी शहजादी पाक हजूर मखदूम करीमा सैदा तयबा ताहरा राक़ साजिदा वलिया मुतिया साइमा मुतवक्ला शाकिरा हजरत बतूल जहरा सल्ला तबी वल वबारक वसमा के घर सरकार इमाम हसन की विलादत हुई इससे आप अंदाज़ा करें कि बेटों की जुदाई के बाद जब लाडली शहज़ादी के घर में बेटा पैदा हो तो हुजूर की खुशी का आलम क्या होगा बज ही बारह गहें आपसे सुबह अल्लाह का मुतालबा भी नहीं कर सकते लेकिन जिक्र अज़त इमाम हसन पाक का शुरू हो चुका है बगैर किसी लाह के के एक कदम आगे बढ़िए इमाम सयूती ने इमाम इबन अजर ने वीकर ने इसको लिखा है कमाल की बात है समझ आ जाए तो मुझे बोल के बता दीजिएगा कि इन शहजादों से पहले किसी का नाम हसन नहीं हुआ किसी का नाम हुसैन नहीं हुआ अल्लाह ने ये दोनों नाम महफूज रखे अपने महबूब के शहजादों के लिए हजरत इमाम असन इमाम हुसैन बाग इन करीमों को इनके कानों में अजान जाने आलम ने पढ़ी इनको गुड़ती लुआब अनवर की हजूर ने खुद अता फ़रमाई इन शहजादों को दूध का नूर हजूर मखदूमा की बारगाह से अता हुआ और इनको गोद कभी सैदुलंबिया की मिल रही है कभी बाब विलायत की मिल रही है और कभी मौत जन्नती औरतों की सरदार की मिल रही है आवाज़ मजबूत नहीं है आपकी तसल सुल के साथ अब हमें चलना पड़ेगा दो घंटे की गुफ्तु आपको एक घंटे में सुनानी है और ये तभी मुमकिन है कि आपकी आंखें जिक्र पाक की तरफ रहें जो आपको जिक्र सुना रहा है और अपने कान भी इसी तरफ मबजूर रखिएगा इमाम हसन मुश्तबा की जितनी भी मनाकिब और फजीलतें हैं वो तमाम तर फजाइल अजीम से अजीम तर हैं लेकिन उन तमाम फजाइल व मनाकब को चूम कर एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ इमाम हसन पाक की यह फजीलत जो एक सतर में बुखारी की अदीस आपको पढ़ के सुना रहा हूं इस शान को सामने रखिएगा कि इमाम हसन पाक सरे अनवर से सीनाए पुरनूर तक सरे अनवर से सीनाए पुरनूर तक सरे अनवर से सीनाए पुरनूर तक मुस्तफ़ा जान रहमत की कामिल शबी थे मैं जुमला सदात की नजर ये बात कर रहा हूं कि रब ने तो अपने अबीब का साया नहीं बनाया क्या कहें आपसे ये टाइम समझने का बात है ही बात नहीं है।, क्या बात है? क्या बात है या ये बहुत समझने का है या ये नहीं समझने का है अल्लाह ताला ने अपने महबूब का साया नहीं बनाया उसकी एक वजह यह भी है कि साया दुई साबित करता है चलने वाला चल रहा है तो साया बैठा नहीं होगा साथ चलेगा पगड़ी बांधी है तो साय में टोपी नजर नहीं आएगी पगड़ी नजर आएगी साया जैसे होता है अब जैसे और मिसल ये दोनों लफ्ज औखे हैं तो पंजाबी का लफ्ज बोल दू साया बंदे वर्गा हे जाग रहे हैं आप बदरात आवाज सही आ रही है जो बंदे का साया होता है ना वो बंदे वर्गा होता है अल्लाह करीम ने अपने महबूब का साया नहीं बनाया ताकि कायनात को सबक मिले कि जिसका साया नहीं उस वर्गा कौन हो सकता है एक बार। बार। दूसरी वजह यह भी बार। है बार। बार। दूसरी वजह यह भी है कि साया इसलिए भी नहीं बनाया कि साया जब बंदा चलता है तो पाक जगह पे भी पड़ता है नापाक जगह पे भी पड़ता है अल्लाह करीम ने अपने महबूब की शान और शान्ज़्ज़त अजमत का यूं तहफुद फरमाया कि महबूब का साया नहीं बनाया और तीसरी बात आपको ज्यादा बोलने का मौका दे रहा हूं काजी याज ने शिफा शरीफ में लिखा इसको मुरादे रसूल करीम सही सई उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तु कि साबादे जा रहे थे तो पीछे से धड़ धड़ पाऊँ मारने की आवाज़ सुनी पीछे मुड़कर देखा तो एक यहूदी उनके साए परछामे पे, पर पे गुस्सा निकाल रहा है हजरत फारूक आजम के साहबजादे के परचामे पर यहूदी गुस्सा निकाल रहा है तो हजरत इब्ने उमर ने उसको डांटा नहीं बल्कि आसमान की तरफ देख के कहा मौला आज समझ आई है कि तूने अपने हबीब का साया क्यों नहीं बनाया तो आप गौर कीजिए कि जिस महबूब का साया नहीं बनाया उस महबूब की कामिल शबी इमाम हसन को बख्श दी उस महबूब की कामिल शबी इमाम हसन को मरहमत कर दी महबूब का हुसन जिसको दिया है वो कम अज कम कम अज कम दर्जाए महबूबियत से कम नहीं है हाँ। क्या कहूँ मैं आपसे मैं आपसे क्या अर्ज आप कर सकता हूँ आप आप तो सारा जुमला ही कजा क्या बार, कर गए महबूब की शबी जिसकी सूरत में डाली वो महबूबियत के दर्जे से कम तो नहीं है रहा। रहा। आप तो बोले नहीं है मैं आपको इस पर रिवायत सुनाने लगाऊं जिस दिन इमाम हसन मुशतबा अला जद्द हिलकरीम वाल सलाम की शहादत हुई है तो शेखुल हदीस सईदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तलाों ने रो के ये जुमले कहे ओ कहने वालो कोहना ना बनना समझ आ जाए जा जा तो मुझे बोल के बताना ताकि आगे चलना आसान हो हजरत अबू हरा ने फरमाया लोगो आज रब के हबीब का महबूब दुनिया से चला गया है रब, रब ताला के हबीब का महबूब इमाम हसन रब ताला के हबीब का महबूब दुनिया से चला गया है तो ये बहुत बड़ी मनकबत है कि इमाम हसन पाक को अल्लाह ताला ने अपने महबूब अली अलीसलाम की हसीन सूरत बख्शी ये बहुत बड़ी फजीलत है बहुत बड़ी मनकबत है और ये सिर्फ इस लेवल की करम फरमाई सयदा इमाम हसन के हिस्से में आई है मुतफिका सुबहानल्ला बोले आगे नहीं बढ़ सकता मैं दरा जाग के सुने और इमाम हसन पाक की मुजस्म सूरत में शान देखनी हो शान देखनी हो तो वो खिता लाहौर में इमाम हसन का एक बेटा इतनी टोर से बैठा है क्या आपसे कहते शाने शाने जी मैं अभी अर्ज करता हूँ शाने हसन हुसने हसन मकाम हसन और अजमतो जलालो हैबत हसन को अगर मुझे समत में देखना है तो फिर उनका बेटा पूरी तौर से लाहौर में जलवागर है और वो है सैदलिया मखदूम उमम हजरत दाता गंज बख्श क्या बात है वाह रे बिस्मिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे अल्लाह सलामत क्या बात क्या बात क्या बात कहना वालों और दीगर शहरों से आने वालों है कोई जिसके अक्ल फहम में مقام गंजबख्श आ सका हो जहां चिश्तियों का लाड़ा गंजे शकर हजूर बाबा फरीद फरीदन माही वो लांगे बने और मुरीद पूछे कि हजूर ये बड़े बड़े हैं तो गंजे शकर ने फरमाया अली हजवेरी के दरबार पे हर तरफ नूर बरस रहा है फरीद पाऊ कहा रखे बाजीवा, 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 बाजीवा। ये एक बेटे का मकाम है बाजीवा, 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 बाजीवा। खुश हो के बड़े मखाने खा देने इन्नी बारी तो सुबह जे नहीं आखी नमक हलाली तो बाद की बात है पहले मखाने तो अलाल करो को दादा साहब के नाम पे सुबह अल्लाह तो कौन समझाइए अब बात इससे आगे बढ़ रही है ये एक बेटा है और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी अब एक और बेटे का नाम लू जिससे मकाम इमाम हसन समझ में आए और वो वो बेटा है इमाम हसन पाक का कि जिसके आगे वली गर्दने झुकाए मेरी मुराद सैदुलसाद फरदुल अफराद गौसल अकबास अक्ताब गौसे कौनैन मुगी दारैन महबूब सुबहानी कुतब रब्बानी कंदील नूरानी शहबाद लामकानी सूरत नूरानी सीरत नूरानी नुरानी हसब नूरानी नसब नूरानी पीर पीरा मीर मीरा हजूर नूर सरकार सयदना गौ से आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह अन हो ये दूसरा बेटा है औलाद इमाम से समझ आ रही है ग्यारहवीं शरीफ तो आपको शायद गुड़तियों में भी माओ ने खीर खिलाई हो हाँ। समझा रही है ना और 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 गौर से सुनिएगा मजीद गौर से सुनिएगा एक बेटे का नाम और सुन लें और फिर हम तो इमाम दरे इमाम हसन से हम कहीं नहीं जाएंगे क्या बात। एक बेटे का नाम और सुन लो कि जिसकी आमद पर दुनिया में अमन कायम होगा जिसकी आमद के मौके पर हर तरफ इस्लाम होगा हर तरफ दीन होगा हर तरफ नूर होगा कोई गरीब नहीं रहेगा और वो वो बेटा है उनका नाम होगा इमाम अल अलमारूफ इमाम महदी वो जो इमाम माती हैं वो भी इमाम हसन की औलाद पाक से होंगे। ये, ये है है? ये शान हसन बार, या बार या बार, या बार, बार। कमजोर मत बोलिए ये है शान हसन मकाम हसन मरतबा हसन आइए मैं कोशिश करता हूं कि पंचतन पाक की नस्बत से पांच हदीसें आपकी शान में सुनाकर फिर सीरत के कुछ मुख्तल पहलू जिक्र करूँ सय जा रदी अल्लाह तदीस को रिवायत किया जाने आलम शफी आजम सल्ला वसलम ने एक दिन फरमाया जो जो जन्नती जवानों के सरदार को देख कर खुश होना चाहे गौर फरमाइएगा और अभी हम भी चेक करते हैं खुशी वाला माहौल जो जन्नती जवानों के सरदार को देख कर खुश होना चाहे जाने आलम ने फरमाया उस खुश होने का इरादा करने वाले को चाहिए कि वो हसन बिन अली को देख ले आवाज कमजोर है आवाज कमजोर है, है। सुबह कोई सुभाण मैंने आपको दोड़ा माई और बूटे के शेर नहीं सुनाए जाने आलम का फरमान सुनाया है एक बात जो जन्नती जवानों के सरदार को देख कर खुश होना चाहे वो हसन इब्ने अली को देख ले सुभान अल्लाह अल्लाह भाई साहब जन्नत कोई मरले दो मरले की चीज नहीं हदीसे पाक में फरमाया के एक कोड़ा रखने की जगह यह सोटी मैंने इसलिए उठाई है छांटा चाबुक हंटर कोड़ा तकरीबन इस स्टिक के करीब उसका साइज होगा आप इससे नस्फ और बढ़ा लें लेंथ ये मोटाई उसकी इससे ज्यादा और क्या होगी करीम फरमाते हैं कि एक सोटी कोड़ा जन्नत में रख दिया जाए तो जितनी जगह उस कोड़े ने घेरी है वो इतनी सी जन्नत की जगह तुम्हारी कुल दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे भी बेहतर है हसन इबन अली जन्नत के आधे मरले के मकान के वारिस का नाम नहीं औरे 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 औरे। सुभार अल्ला। सुभार अल्ला। वारिशाने जन्नत वालो और इश्क का इजहार करने वालों हसन इबन अली कोई आधे मरले के मकान के मालिक का नाम नहीं है जाने आलम फरमाते हैं जो जन्नती जवानों के सरदार को देखकर खुश होना चाहे वो हसन इबन अली को देख ले क्या बात क्या, बात, क्या शान पाई क्या बात है क्या बात क्या हदीस की समझ आई हदीस पाक की समझ आई है दूसरी हदीस पाक सुनिए इब्ने कसीर इब्ने कसीर वीगर मुहदसिन ने इस रिवायत को लिखा अबूमी तौर पर इस रिवायत को माह मुहर्रम में सैदुल हुजूर हजूर नूर सरकार अखदस बंद परवर आली मरतबक सैदना इमाम हुसैन अलाजद्दल करीम वाली सलात व तस्लीम के लिए भी लोग बयान करते हैं कुबे मतबारा में ये रिवायत सरकार इमाम हसन पाक के तस्करे में है समात करना लुत्फ दे जाने आलम जानेतलाम है नमाज में चल रहा है आखिरी रकत का आखिरी सजदा और खेलते खेलते हसबे मामूल आ गए सरकार इमाम हसन और सीधे पुशते अनवर पे सवार हुए बात, जा बात, जा बात। मैं यहाँ पर फिर अगली बात भी जादों की नजर करना चाहूँगा और शुक्र है कि मैं सैयदों के झुरमड़ में बैठा हूं शाख मोहिकाब्दुल्ला ने मदारबूबत में लिखा कि जिस दिन मक्का शरीफ फतेह हुआ काबे शरीफ के अंदर बुध थे जाने आलम अलीलाम ने फर्मा अली मेरे कंधों पे चढ़ जाओ बुतों को गिरा दो हैदर करार ने अर्ज की हजूर आप मेरे कंधों पर सवार हो जाए आदा बन फरमा नहीं तू मेरे कंधों पर सवार हो मौला मुर्तजा सवार हुए बुतों को गिराया और इस मौके पर सरकार हैदर करार फरमाते हैं जब मैं जाने आलम के मुबारक कंधों पर सवार हुआ तो मैंने अपने आप को इतनी बुलंदी पर महसूस किया कि अगर हाथ बढ़ाऊं तो अर्श का पाया पकड़ लूं आप सोचते होंगे कि आप सोचते होंगे मस्जिद नबवी शरीफ के सजदे की बात करते हम बैतुल्ला में क्यों चले गए बताना ये चाहता हूं कि वालिद एक दिन हजूर के कंधे पे सवार हुए तो अरश की बुलंदियों पर अपने आप को पाया शहजादे तो रोज हुजूर की पुश्ती अनवर पे सवार होते थे खुदा बेहतर जानता है कि वो क्या बुलंदियां देखते होंगे और क्या नजारे करते होंगे खुश हो के अल्लाह कहो ना हमें जली जली रंगत चाहिए ना उदास चेहरे चाहिए ये तो जन्नत के वारसों का जिक्र है पेशानियों को कुशादा करो लबों पे मुस्कुराहट लाओ दिलों को पुरनूर करो और अपनी किस्मत पर अगर है तो किस्मत पर अगर है तो रश्क करो कि रब ने हमें अपने महबूब की आले पाक का मुहब बनाया है करने वाला नहीं बनाया बेच्चक, बेच्चक। खुशी से सुभान अल्लाह सारी वी आई पी मूवमेंट भी कहे सुभान अल्लाह ये जितनों के नाम पीर जिलानी साहब ने लिए हैं अकतर साहब ने इन सब के नाम वही हैं जो इन्होंने लिए और हमारी तरफ से मुतालबा है कि सारे को हो सुभान अल्लाह बात की समझ आ गई है वापस पलटिए सजदा उल पकड़ गया कोई रिवायत में लफ्ज नहीं है कि वो बहत्तर तस्बियां तिहत्तर थी इतने लाह के मैं अक्सर कहा करता हूँ आले रसूल की शान में सच इतना है कि किसी झूठ की जरूरत नहीं बाद, 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 और मैंने कितनी मरतबा गुजारिश की है ये बात कि बाबे रूमी अले रामबद ने मस में फरमाया फूलों को कड़ाई की जरूरत नहीं होती फूल तो खुद खूबसूरती का सबब होते हैं समझा बाद के सजदा लंबा हुआ, हुआ। कितना लंबा हुआ ये एक पाक रदी ताला अन गुमान गुजरा कि शायद हजूर अकदर सल्लाम की रूहूर रब के दरबार में पहुंच चुकी है इस खदशे में मैंने थोड़ा सा सर उठाया और आगे देखा वहां लफ्ज है कि बच्चा हजूर की पुश्ती अनवर पर था मैं फिर सजदे में मैं फिर सजदे में नमाज हुई मुकम्मल बारगाह में साहबा पाक हाजिर हुई मुरीदवान अर्ज किए जाने जा आज एक सजदे को बहुत तूल बख्शा गया है हजूर को हुक्म आया है ये साहबा कराम बतोरे तनकीद नहीं पूछते थे हम भी इस पर अमल करें इसलिए पूछते थे बा, 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 अब बा, ये मैं 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 आज मैं आज बीच में आपसे क्या अर्ज करूं चले इसको सुन लें सुनंदार कुतनी में है सुनंदार ये कुतनी ये अदीस की किताब है मतलब आपको समझे किसी जड़ी बूटी का नाम ले रहा हूं सुनंदारतनी में यह रिवायत मौजूद है जाने आलम अलीलात वसलाम नमाज में है हजूर ने एक मोजा चमड़े की जुराब उतार कर डाल दी साहबा क़राम ने हजूर को नमाज पढ़ते चमड़े का मोजा उतारते देखा तो उन्होंने भी एक एक मोजा उतार दिया इता हो तो ऐसी हो आगा। आगा। एक एक मोजा उतार दिया और मोजा उतारने के बाद जनाब में अर्ज किया क्या शानदार अंदाज है गालिबा बिजली आई है और जनरेटर बंद होने लगा है इसलिए इंतजामिया वाले उधर होंगे और मैं जन्नत के वारसों का जिक्र कर रहा हूं आपका बटन तो कि, किसी और के हाथ में है इसलिए तोज्जो इस तरफ रखिए। नमाज के बाद अर्ज की है जाने जहा आज हजूर ने एक मोजा उतारा है फरमाया वो मोजा जो उतारा ना उसके ऊपर नजासत लगी थी थोड़ी सी तो अल्लाह ताला ने जबरील को नमाज में भेजा कि हबीब हम इतनी नजासत भी वजूद पर पसंद नहीं करते मोजा उतार दें मैं मैं इसलिए रुक गया था वहाँ कि मैं क्या करूँ मुझे एक रिवायत समझाने के लिए बीस बीस भी सुनाना पड़ जाती है मोजा उतार दो हबीब हम इतनी निजास्त भी वजूद पर पसंद नहीं करते बात समझ में आई अच्छा अगर मैं भी ऐसे ऐसे तकरीर करूं इशारों से तो क्या समझ आएगी आपको मैं आपसे बात पूछता हूं आप सारा लाते हो को बात है करने की यानी अगर मैं तकरीर में आपसे यूं ही कहता रहूं, क्या करोगे आप समझदार लोग हो मैं आपको मोहब्बत नगर में ले जाना चाहता हूं और आप वो कि खुशकी का सहरा नहीं छोड़ना चाहते कुछ समझा रही है क्या मैं आप जर्ज कर रहा था कि के फरमाया कि वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अभी ये मोजा उतार दो सरकार सलाम ने साहबाबाग से फरमाया बहन तो हुक्म आया क्यों ला ने अर्ज की हमने आपको देख के उतार दी है यहां भी एक मसला समझाना चाहता हूं कदम अनवर पर चमड़े की जुराब जुराब पर थोड़ी सी मकदार में खून नापाक चीस अल्लाह नमाज़ में वही कर दे कि प्यारे इतनी निजास्तो गंदगी भी हम तेरे वजूद पे पसंद नहीं करते जो इतनी देर के लिए भी हबीब के वजूद से मस नहीं हो रही जुराब पर है जो इतनी देर भी नजासत पसंद न फरमाए जहां अपने इसी हबीब का नूर नौ माँ रखा उस माँ की पाकिजगी का आलम क्या होगा बिस्मिल्लाह कोई समझ आ रही है जी बिस्मिल्लाह कोई समझ आ रही है बात की अभी भी सर हिलाते हो जगह बदलो या तरीका बदलो सर ना लाओ जुबान मुबारक लाओ ये मिलाद बाग शुरू हो गया है जिलानी साहब ने आपको मुबारकबाद भी दी हुई है समझ गए अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह को मालूम है कि उसने अपनी रिसालत कहाँ रखनी है अल्लाह जानता है किबला अलामा पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहेब अल्लाह जानता है कि उसने अपनी रिसालत कहाँ रखनी है मेरे मुर्शिद करीम हजूर सैदी वसानदी बदरे तरीकत पीर मोहम्मद अब्दुलरशीद कादरी रजवी राम तुला फरमाते थे कि पिंडा दिया माइया रात नो दाला पांडा मांझ के मूह करके रख दिया ने जो सवेरे धारा क्डन का वेला आए तो तीन या नौ नू आखद ने इनू अंगाल ले। तो अगर बहू या बेटी कहे माँ राती धो तो के तेन मूहतिया मारे के हूँ आ गई, तो माँ कहती है अकल करी दी बेवकूफिया नहीं करी दुध अल्लाह द नूर है दुध अल्लाह द नूर है दो अल्लाह का नूर है पाक भांडे च पाना चाहिए हालांकि दूध को मजाजन अल्लाह का नूर कहते हैं मजाजन ये हकीकतन नहीं है तो जो मजाजन फरमाए पेंड दिया नू पता है कि दुध नूर कहें पाक भांडे च रखना है जिसको रब मिनल्लाह नूर फरमाए आपसे हजूर की वालदा पाक के जिक्र पर मैं कोई खैरात नहीं मांग सकता मैं तो खुद वहां से खैरात का तलबगार बात बाद समझ में आई ये बात।, बात चलो एक बात करते ये परत बंद हुआ फिर वो परत बंद हुआ बात कहाँ पहुंची थी ए जाने जहां आज को तूल बख्शा है इसका सबब क्या था क्या यहां थे ना लुत्फ दे जुमला है एक सतर है अल्लाह करे समझ आ जाए फरमाया हम सजदे से सरे अनवर उठाने ही वाले थे कि हसन आ गया क्या बात, क्या क्या बात, बात क्या आप से? हम सजदे से सरे अनवर उठाने ही वाले थे कि हसन आ गया अब अगली बात मैं अब आपको क्या आज करूं अगली बात अगली बात, बात फरमाया फिर हमने चाहा फिर हमने इरादा किया कि ये अपनी मर्जी पूरी कारी ले ये ये अपनी काने वालों इस जुमले से आगे हम यू नहीं गुजर सकते जिस तरह आप जिस तरह आप बैठे हैं ये काने में जब मैफल हो तो वैसे दस घंटे पहले तैयारी करनी पड़ती है कि वहां जाना है अच्छा उसकी वजह क्या है कि पता नहीं कब तकरी शुरू हो जाए कहने जाना है कि न जाने कब तकरी शुरू हो जाए तो अब हुई है तो कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर क्या मैं आपसे इस कर रहा हूं नमाज रब की शरी मसला सुनो इमाम नमाज पढ़ा रहा हो इमाम रुकू में हो और वो किसी के पांव की आवाज सुने चलने की कि कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है एक तो वजू के बाद दौड़कर जमात में शरीक नहीं होना चाहिए हदीस में मना फरमाया फरमा मतानत से सुकून से आओ जितना हिस्सा जमात का मिल गया वो ले लो बाकी बाद में अदा कर लो दौड़ना नहीं चाहिए अच्छा अब मैं क्या आज कर रहा था इमाम रुकू में है और इमाम ने किसी के पांव की आवाज सुनी तो फुकाहा कहते हैं लेकिन यह जुमला सुनोगे तो फिर मुझे भी पता चले आप समझ गए हैं कि नहीं फुका ने कहा कि जे इमाम नहीं पहचान दा तो फिर दो तस्बिया ले जे नहीं से आन दा, जे नहीं पता कि आन कौन है मुतलक नीयत करे कि मुसलमान भाई की हेल्प कर रहा हूं वह तो तखवा के तथा लेकिन जे पता होवे कि फुला है फुला है फुलाँ है उसके खंगारने से उसके बोलने से तो ये शख्स हो गया मुआन के फुलाना है फरमा अब वो रुकू की तस्बी ना बढ़ाए क्योंकि पता है तय शुद्ध के फुला है सरकार ये तो नहीं फरमा रहे कि पता नहीं को बच्चा खेडदा आ गया हसन आ गया क्या फरमाया हसन आ गया और अगली बात क्या मजे की है चूंकि इमाम आए हैं तो अब शौक़ तो पूरा करना है नाना जी के कंधों पर बैठने का बच्चों का अपना एक मिजाज होता है तो फरमा हमने कहा ये अब अपनी मर्जी पूरी कारी ले। दूसरे लफ्ज़ों में कहें शौक़ पूरा कारी ले। तीसरे दर्जे में यूँ समझ लीजिए कि वो तो आया है कि ज़्यादा देर बैठेंगे नाना जी के कंधों पर और हम हम फौरी सर उठा दें तो फिर इसका जो दिल है वो टूटेगा इसलिए आज हमने सजदा लंबा कर दिया कि हसन आ गया इमामुल अंबिया जिनकी अदाओं का नाम नमाज है कहने वालों जुमला नोट करना मैं क्या कह रहा हूं अंबिया जिनकी अदाओं का नाम नमाज है उनकी नमाज में ख्याल हसन नहीं बल्कि खुद इमाम हसन आ जाए तो हुजूर की नमाज नहीं टूटती हम सियाकारों की नमाज में नानाए हसन का ख्याल आ जाए तो हमारी नमाजों को क्या हो सकता है क्या अभी भी याद है सिर्फ सारा के जवाब दे रहे हैं मुझे का आवाज चाहिए आई है हजरत इमाम हसन की मकबूलियत हजर अस्लाम के दरबार में एक कदम आगे बढ़िए तीसरी अदीस तीसरी अदीस सुबह देखें अभी दाई तरफ हजरत किबला पीर तरीका सैयद मोहम्मद सरफराज शाह साहेब हैं मेरे दिल की तरफ हजरत गिरामी कदर पीर सैद नज़र अब्बास साहब हैं सैद 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 का मतलब है सरदार अच्छा ये आदीस में एक पूरी तवील से तवील आदीस हैं ये तो को मुस्तकिल आपसे गुफ्तु हो महाना पंद्रह रोज़ा फिर हम आहंगीर हो फिर उसको कहते हैं रब्द कायम हो तो फिर बंदा वो पुरानी बातों को छेड़े और कुछ अर्ज करे सैयद का मतलब सरदार है गौर कीजिएगा हजरत इमाम हसन वो पहले सैयद हैं मैं देख रहा हूं मैं आप लोगों को देख रहा अल्लाह अल्ला, अल्ला, मैं मैं आप लोगों को देख रहा हूं इमाम हसन वो पहले सैयद हैं बुखारी शरीफ जिनको हजूर ने मिंबर पर अपनी मुबारक गोद में लेकर अपने कमाल वाले मुरीदों यानी हजरा साहबा कराम अले मुरीदवान के सामने फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है बिस्मिल्लाह जी अब मैं एक जुमला कहने लगाऊ अगर उलमा फीसबीर मुझे अल्लाह का तबर्रुक बख्शे तो क्योंकि ये अता होती है साहिबान इलम अगर अल्लाह कह दें तो बड़ी बात है इलम बड़ी ऊपर की चीज है ना इलम बड़ी ऊपर की चीज है ये सुनिएगा जिनको सईदुल आलमीन सैद फरमाए चलो जी हम आप उसका पहले पहले सिफाती इसम शरीफ का तर्जुमा कर दें सारे जानों का सरदार अना सईदमी हजूर ने खुद फरमाया सईदुलनास हजूर ने फरमाया जिनको सारे जहानों के सरदार सैयद फरमाए सैयद फरमाए मेरा ये बेटा सैयद है अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा बचपन शरीफ है हुजूर की गोद है मस्जिद नबवी है गैब की खबर है मेरा ये बेटा सैयद है मेरा ये बेटा सैयद है मेरा ये बेटा सैयद है ये बाज हमारे बच्चे पूछते हैं कि फलान साहब कहते थे ये सैयद किधर से होते हैं हमने कहा यहाँ से होते हैं जो हजूर ने मिंबर पे फरमाया है मेरा ये बेटा सैयद है अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की किन की मुसलमानों और काफिरों की नहीं मुसलमानों और मुनाफिकों की नहीं मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा आप इबन कसीर को पढ़ें, इबन जरीर को पढ़े उमदतुल्कारी वे बाबे को पढ़ें, तगड़े तगड़े अजिल्ला मुहदसिन को मुर्रखीन को पढ़ें। सब ने जब हजरत इमाम हसन की सुलह हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तनों का बाब आता है तो वह इस सुलह का जिक्र करके फरमाते हैं आज हुजूर का मौजा जाहिर हुआ सुभान। 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 खुशी से सुबह अल्लाह कहे खुशी से सुबहानल्लाह अल्लाह अजय भी तानू चढ़ी हुई गुटी जड़ाई रखी सोने नहीं सुनाया ये भी बुखारी की हदीस है समझ गए क्या मेरा ये बेटा सैद है अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा एक बार नहीं हजार बार कहा हर जगह कहा किसी सूरत भी मकाम और मर्तबे में हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तन हो मौला मुर्तजा शेर खुदा बाबे विलायत अमीरुल मोमिनीन इमामुल इमाम असदुल्लाब इमाम बेबल सरकार तालिब, कर्रम के बराबर नहीं है अला हजरत अजीमत मुजदीनो मिल्ल इसीलिए वो अला हजरत है किसी को भी तकलीफ हो वो तब भी आला हजरत है Scroll. समझ गए? आला हजरत इमाम अहमद रजा का लिखा एक लाइन है आज का स्पेशली लंगर लंगर <ये> है ना? आला हजरत लिखते हैं और ये जो मस्जिद के अंदर शोर कर रहे हैं, इनका शोर बाहर आ रहा है तो बहर आलिया सुबह अल्लाह तक हिजे तक नहीं अपड़ी जो किसी सात नवाज अपना तो ना बोल दे गौर से सुनिएगा मैं क्या आपकी खदमत कर रहा था आला हजरत लिखते हैं हज़रत दो लाइनों हज़र में अन्हो की शान अजमत का घोड़ा पांच सौ साल पूरी स्पीड से दौड़े तो तब भी मकाम हैदर तक नहीं पहुंचता समझ गए हैदर हैदर है, दर, है, दर है। अगर कोई अगर कोई हजूर मौला मुर्तजा को या हजूर मौला मुर्तजा के साथ हजरत सई नाविया रदी अल्लाह की बराबरी का दावा करता है तो वो कतान इस इस दावे में सच्चा नहीं है हम आल सुन्नत का जो हमारे इमाम आला हजरत ने इन अल्फाज में बयान कर दिया समझ गए इस फर्क को हमेशा जहन में रखना जहन में रखोगे भाई जल्दी बोलना जरा जल्दी बोलना जहन में रखोगे चलो अभी तक तीन अदीशें हुई है मुझे याद है मेरा आपसे वादा पांच का है अब मैं एक सीरत का वर्क खोलने लगा हूं सीरत का एक वर्क खोलने लगा हूं सयुना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह नुमा फरमाते हैं एक की शायद अफसोस रहा है एक की शायद हसरत रही है कि मैं जवानी में पैदल हज ना कर सका जवानी में पैदल हज ना कर सका फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने 25 हज किए और 25 के 25 पैदल किए मेहमानों सुबह अल्लाह कहो, मेहमानो ये कुछ छोटी सी करामत है चिड़ियां मारन बोते जिंदियां छत ना लग दे हो। ये कुछ छोटी सी करामत है पच्चीस हज और अगली बात सुनना खादिम साथ सवारियां सात हरम से मीना मीना से मीना से नहीं असल में वो मुझे को और आवाजें आ रही ना बीच में मैं इसलिए बाकी तो मैं ताजा ताजा होके आया हूं थोड़ा थोड़ा याद है आ, दुबार ला, दुबार ला। हरम से हरम से मीना मीना से अरफात अरफात से मुजदलिफा मुजदलीफा से रमिय जमरात अच्छा अब तो फिर भी रोड है उस वक्त इस तरह सीधे पदरे रोड नहीं थे ये सारे के सारे अमूर पच्चीस मरतबा डंडी ना मारो डंडी ना मारो डंडी ना मारो पच्चीस मरतबा इमाम हसन ने पैदल की है लुत्फ क्या है अच्छा भाई मुझे तो बड़ा पैदल चलना पड़ा अच्छा ये सब क्यों बोले बस वो सवारी नहीं मिली बस बैठे थे बस नहीं चली ट्रेन में ट्रेन वालों ने मुझे बिठाया नहीं ऐसा भी नहीं कि इमाम हसन पाक के पास सवारी नहीं सवारियां पूरी खादिम सात इमाम हसन पैदल आपसे अर्ज किया बंदगी सीखो इमाम हसन से आदाब इबादत सीखी है हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं मैं भी हाजिर हुआ हूं आप में से कितने अज़ात हैं जो बैतुल्ला हाजिर हुए हैं हम अपने अदब अदबाब के तरीके देखें और जिनकी याद में आज की कॉन्फ्रेंस है बाद, बाद, उनकी शान को देखें और अदाब बंदगी को देखें आपसे अर्ज किया जाता है शहजाद रसूल सवारियां साथ हैं बैठते क्यों नहीं फरमा शर्म आती है मैं सदके कुर्बान मैं सदके कुरबान इस आली मरतबत घराने पर फरमाया शर्म आती है कि मैं इस हाल में रब से मिलूं कि मैंने कभी उसके घर का सफर पैदल ना किया हो इसलिए सवारियां मौजूद हैं लेकिन रब की बंदगी के आदाब को सामने रखकर हसन पैदल चलता है यह है आदाब बंदगी हजरत इमाम हसन की नजर में एक जौक की बात और सुन लें बच्चे हैं हमें भी चौंतीस साल कम वेश हो चले तकरीरें करते ये थोड़ा बीच में ब्रेक वगैरह समझाना सिखाना किसी को थोड़ा सा क्या कहते हैं नोक को पलक संवार ये ज़रूरी होता है मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ तनकीद के तौर पर नहीं हमें बस अवकात मसाजिद में कहना पड़ता है यार शोर ना कीजिए बाग लोग किबले की तरफ़ पाँव करके मस्जिद में बैठ जाते हैं हालांकि वो घर में भी हों तो तब भी नहीं करने चाहिए शरीफ की समत थूकना चाहिए नकाबे की तरफ पाऊं करने चाहिए हती के छोटे बच्चों को पाठ पर बिठाना है पेशाब के लिए तो माओ को चाहिए कि पाठ का रुख भी देखें, ना पाठ का मुंह काबे की तरफ हो ना पुष्ट काबे की तरफ हो पासया चिडा अदब है दातानद दा अदब के ना होना चाहिए कोई नहीं आप फिर इस्तारा करके सुबहानल्ला कह लेना हमने तो आपको बहुत बड़ी सबक दे दिया है ना अदब है जाता किन्ना अदब करना चाहिए खुद अंदाजा करें कहां पहुंचे हम मैं ये कह रहा था कि ये ये अमूर नहीं होने चाहिए मस्जिदों में कहते यार शोर ना करो शोर न करो हमें मस्जिद में आ रहे नमाज पढ़ने के लिए घर में बच्चों की माँ ने कह दिया कपड़े थे बदल लो मैं किड़ा वांडे जानता पे हैं कपड़े मेले हैं बदल लीजिए बोलो मैं गड़ा वांडे जाना पे है भाई जी वांडा क्या चीज है और कोई भी वीआईपी प्रोग्राम क्या चीज है ये मालिक का दरबार है फरमाते हैं जाहिर साफ कर और रब के दरबार में आके कह दे मौला जो तूने मेरे कब्जे में दिया था वो दो आया हूँ दिल तेरे कब्जे में है इसको पाकिजगी तू मरहमत कर दे सरकार से ही ना इमाम हसन मुशतबालाजदहल करीम वाले असलात व तस्लीम जब वजू फरमाते तो चेहरा पाक का रंग जर्द हो जाता यह रिवाज सैद सजाद इमाम जैनदीन के बारे में भी है इमाम हसन के चेहरा अनवर की रंगत में तगैर आता पूछा जाता है शहजाद है रसूल अखदस ये चेहरे का रंग क्यों बदल जाता है फरमाया कम हाकिमीन के दरबार में खड़ा होना है इस एहसास की वजह से चेहरे का रंग बदल जाता है आज काबे का तवाफ करते लोग हंस रहे होते हैं, बना रहे होते हैं एक दूसरे को कंधे मार रहे होते हैं दौड़ का मुकाबला चल रहा होता है मेरे भाइयों, पाक जातों का मानने का मतलब ये है कि उनकी सीरत को अपनी जिंदगियों में लेकर आए ये वारसा ने जन्नत कॉन्फ्रेंस होती है हाजी मोहम्मद अरशद साहब और इनके वाले के इशार सवाब के लिए कई सालों से है हजरत किबला शाह साहब हजूर मखदूमा करीमा सैदा आलिया की जनाब में नजर आने के लिए कई सालों से वो हजू सैदा पाक की याद में बजम मतलब पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम होते हैं ये नाम ही हों तो इनके नाम तो तब भी थे और हैं और रहेंगे ओ भाई साहब कोई इनके तस्करे करके इनकी शान नहीं बढ़ाता बल्कि हामिद सरफराज जैसे बे नाम और गुम नाम इनके नाम की बरकत से नामवर हो जाते हैं मत कोई समझे कि हम इनकी शान बढ़ाते हैं ये कुर्सियां ही इनके जिक्र के सदके हैं शान बुलंद थी बुलंद रहेंगी किरदार कब होगा सीरत कब अपनाएंगे सुनेंगे लुत्फ की बात लेकिन ये तसव्फ का नुकता है हदरत इमाम हसन की बात वा, तस्वुफ का नुकता है नींद आ रही हो तो एक दो ऐसे ऐसे सर मार लें, लेकिन किसी से सर मत मारिएगा जाग के सुनना बाप बेटे की शाह जी है बाप है मौला मुर्तजा शहजादे हैं शहजादे हैं इमाम हसन मुश्तबा मौला अली पाक ने इमाम हसन पाक से फरमाया ईमान में और यकीन में दोनों में कितना फासला है कितना गैप है कितनी मसाफत है क्या सवाल समझ में आया जी ईमान आगे क्या लफ्ज़ बोला यकीन ईमान और यकीन, यकीन में कितना फासला, कितना फासला है इमाम हसन बाग ने मौला अली को जवाब दिया अब्बा हज़ूर चार उंगल का कितना चार। सरकार हैदर ने फरमा चार उंगल का फर्क ईमान और, और और यकीन का कैसे अर्ज किया आंख से सॉरी कान से सुनकर कान से सुनकर मानना ईमान है और आंख से देखकर मानना ये यकीन है और हुजूर कान में और आंख में चार उंगल का फासला है जाओ जनाब क्या कहें आपसे ईमान में और यकीन में कितना गैप है तो इमाम हसन बागर करते चार अंगुश्त का कान से सुनकर माना ईमान आंख से देखकर माना यकीन और कान और आंख के बीच में चार उंगल का फर्क है ये फैज है हैदर करार के मदरसे का आवाज़ फिर बाद, भी कमजोर फिर भी कमजोर बाद, 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 अब एक तस्वुफ की बात और सुनेंगे स्रागी, स्रागी ये हमारे सामने चुपचाप बिठाए हुए हैं आज आपने अब मैं क्या करू मैं क्या करू मेरी गाड़ी में चार चार पाँच बंदों की गुंजाइश होती है नहीं तो बंदा बस कराए और बस करा के वाले एक एक इलाके से ढूंढ कर उनको पक्का भर्ती कर ले फिर उनको कुछ सामने बिठाए फिर उनसे कोई यार की बातें करे करेह जौक बड़ी चीज होता है बड़ी चीज़ होता। बड़ी ये हमारे करम फरमाए ये देखें ये अपनी बरसात का सिलसिला जारी रखते हैं वो किसी की बात समय में आए हमारा यह है कि कहीं एक कतरा अबरे करम का बरसे और कानों कीरा दिल तक आए और दिल का जहां बदल जाए सुनिए इमाम हसन पाक से किसी ने पूछा ये आखिर ये ये सीरत का बाब खुल गया जी सीरत का अभी तक मैंने आपको क्या बताया पच्चीस हज पैदल किए वजू के वक्त चेहरे का रंग मुबारक बदल जाता ईमान में और यकीन में क्या फर्क है तीन हुई है अब चार यारों की निसबं से चौथी सुनना किसी ने इमाम हसन बाग से पूछा तुसी फाके वेच भी होवो ते तां भी सवाली खाली नहीं मोड़ दे बाते। क्या बाते। च्छा बाते। च्छा बाते। है क्या ये सवाल देखिए क्या ये छोटी सी बात नहीं है सिर्फ आप फाके च भी होवो तो सवाली नहीं मोड़ दे ए वजह है इमाम हसन करीम ने फरमाया मैं कौन सा अपनी तरफ से देता हूं बाबे ने मसवी शरीफ में लिखा है कि जब मौला मुर्तजा कोई गहराई की बात फरमाना चाहते थे और सामने कोई बंदा नहीं ना मिलता था तो आप कुएं के किनारे पे तशीर ले जाते मसनवी में है मौला अली पाक कुएं के किनारे पर जाकर अपना रुखे जैबा उसकी मुंडेर से नीचे की तरफ करते और वहां आप बातें करते थे ये बाब रूमी ने लिखा जी मसमी शरीफ में तो कैन आलसुनामा दिलदा कोई महरम राज ना मिलदा। ये ख्वाजा ये ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा और सुल्तान बाबू ने क्या कहा कि दिल दा महरम कोई ना लभ्या जो लभ्या सो गर्जी हु दिलदा महरम लागा। कोई न लभ्या जो लभ्याजी आप खुद फाके में भी होते हैं फिर भी सखावत क्यों करते हैं इमाम पाक ने फरमा मैं कोलो दिन है। ये है सोच सखियो अल्लाह की राम में खैरात करने वालों माल बांटने वालों लंगर बांटने वालों आटा चावल घी बांटने वालों गरीबों में कपड़ा लद्दा बांटने वालों गरीबों में पैसा बांटने वालों सुनो सुनो का हुसन और सोच क्या होनी चाहिए आज हजरत इमाम हसन से सबक सुनिए यानी वो जो उन्होंने फरमाया है वो इर्शाद सुनिए सुना मैं आपको रहा हूं हजरत इमाम ने फरमाया भाला, भाला, भाला। भाला, भाला। भाला। मैं कड़ा कोलो दिन है मैं कोलो दिन है बड़ी वही गल है मैं देनू ए दिता मैं तेनू ए दिता मैं देनू ए मैं देनू ए दिता मैं सदके जनद्य वारसा तो एक बंदे को एक वक्त में एक एक लाख दिरहम मता कर देते थे बादा, बादा। बादा। दे वाला को मामूली बात नहीं आज पाकिस्तान की करेंसी कितनी लूज है इसके बावजूद भी एक लाख रुपए का हसूल आसान काम नहीं उस लाख का मतलब है आज के करोड़ हा करोड़ रुपए सवाल ही आया अजूर बड़ा मसला बने अंज रोला है एंज है, है। किन्ने ने। खादम हजूर है पूरा लाख है देना मजा नहीं आ जाता क्या बात है जनाब क्या बात क्या बात अलामा मोहम्मद याकवी साहब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबिलाई लाडला बाबा फरीद कौर सैयद है खाजा निजाम आले रसूल हैं। ख्वाजा निजाम के पास शाम को बंदा आया कुछ मांगने के लिए और महबूबे इलाही के आस्थाने का और अक्सर वलियों के आस्थानों का हुन यही था वो शाम नू लांगरी नू सी को शायद बची थे नहीं हूं पुछ देने माजिया हो अकेले लफाफा घर क्यों नहीं अपनाया बड़े खुश होंगे हो ਅਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਆ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਡ ਦੋ

जी हाँ वो अमूमन खत्म में जब होता है ना आखिरी सांसों पर तो वो पोने वाली ट्रे ले आते हैं उसका मतलब ये होता है कि अब दुआ मांगो मैंने इसलिए पूछा मेरे कारवां से पूछा एक लाख रुपया मैं आपसे क्या कह रहा था ये सारे रात को पूछते थे को रह तो नहीं गया कुछ जी हाँ बिल्कुल मैं तो जनाब खाजा निजाम तो मेरे दिल में बसता है आ, भा, 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 भा। हाँ। क्या खाजा निजाम काश कहीं खाजा निजाम को पढ़ो ना को भी जाए तो क्या बात लुत्फ आ जाए ये रात को सारे बाबे पूछते थे लांगरियों से खजानचियों से कुछ है तो नहीं ये है कुछ बच तो नहीं गया ये है और पता है कि ये कहां से चला सिस्टम ये सिस्टम चला आस्ताना आलिया मदीना शरीफ से <गाँगे> आस्ताना आलिया मदीना शरीफ अब क्यों आस्ताना आला लगा है आस्ताना आलिया मदीना शरीफ जाने आलम स्थार्व स्थार्व के खजानची थे सईना बिलाल अबशी रदी अल्लाह त हजूर उनसे रात को पूछते थे नमाज ईशा के बाद आस्ताना शरीफ पर जाने से पहले बिलाल कुछ बचा तो नहीं हजूर बांट दिया एक दिन बिलाल कुछ बचा तो नहीं हजूर बथेरा भी बच गया अल्लाह आपको सलामत रखे अब ये ये अगली सतर कजा ना करना हजूर बथेरा वंडे फिर भी बच गया फरमा फिर आज हम घर नहीं जाएंगे आज रात मस्जिद में रहेंगे ये सारा बटेगा तो घर जाएंगे जी ये दस्तूर रहा है आस्थाना शरीफ का और चौथी रिवायत ऐड कर लो एक दिन फरमा बिलाल कुछ बचा तो नहीं हजूर सारे वर्ण दिते ने तीन चार दिन हम कल वास्ते रख ले कल वास्ते सरकार ने फरमा बिलाल खर्च कर खर्च कर अर्शों के मालिक पे यकीन रख जिसने आज दिया है वो कल फिर आता फरमाएगा यही पीरी है यही दरवेशी है तो बात किसकी थी खा निजाम पाक की अच्छा सिर्फ अगर खान का को रात को बली क्या कहते थे इसके लिए अलग से जलसा होना चाहिए ये एक अलग गनवान है लेकिन यह बात है के मुताबिक हम बात पूरी कर लें वो सवाल ही आया वो आया उस वक्त जब किचन में लंगर खाने में झाड़ू कर दिया गया था और सारा कुछ बांट दिया गया था जी बड़ी जरूरत है बड़ी जरूरत है बड़ी जरूरत है आपने अपने लांगरी लांगरी का जब लफ्ज बोले तो वही खजानची है ये पुरानी जो बात है वो फरमाया आया है तेनू कुछ दे सर शे असा बांट देती है कुछ भी नहीं उन लंगर खाने अर्ज की हजूर एक बैल है तो फरमा बैल बेच दो ना मसल बैल की कीमत है पांच सौ रुपया उस बंदे को चाहिए थे पचास रुपए ये फिगर मैंने मिसाल के तौर पे बोला है काफी देर के बाद ना आपका खादिम आया टग्गा वापस लेके फरमा क्या हुआ हजूर कोई खरीदार नहीं मिला खाजा निजाम ने सर सर अनवर पे रखा फरमा हाय अफसोस हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं की हमने ये क्यों कह दिया कि टगा बेच के तो बीच में से पैसे इसको दे दो आपने फरमाओ बे लिया नहीं सरदा के नहीं फरमाया ये बैल की रस्सी इसको दे दो जा ले जा अपना बेच के बाकी भी काम कर लेना ये भी कर लेना का तरीका अब हम आए हैं सरगार इमाम हसन करीम की जनाब में एक लाख रुपया एक बंदे को दे देते थे क्या बात है जनाब क्या बात है दादा साहब जो मेरे इमाम हसन की औलाद पा के उन्होंने कशफुल माजूब शरीफ में लिखा एक भूखा आदमी जद्दी पुष्टी भूखा नहीं हालात ने क्राइसिस ने उसे मजबूर किया कि उसके घर में फाका था वो सरकारी हसन करीम की जनाब में आया हजूर को रोटी मिल जाएगी कार भुख बड़ी है इमाम हसन करीम ने फरमाया कि बजा मेरा माल रस्ते आंदा प्या है मांगने वाले ने रोटी मांगी क्या मांगा बोले बोले जल्दी जल्दी बाबा रोटी बजा मेरा माल आंदा प्या है दादा साहब लिखते हैं कि माल आ रहा था अमीर माविया रजियाल्ला की तरफ से बंदा लेकर पहुंच गया बाज़ जगह के चार और बार जगह के पांच थैलियां थी इमाम हसन पाक ने फरमाया कितनी है थैलियों में पैसे अर्ज की हर थैली में हजार हजार दिनार है ये हाई लेवल की करेंसी है सोने का सिक्का गोया के अब जो अमाउंट थी ना वो अरबों रुपए तक थी मौजूदा हजार हजार दिनार है सवाली किसको बिठाया हुआ है जो मांगने आया था रोटी और पैसे कितने आगे चार हजार दिनार या पांच हजार दिनार इमाम हसन पाक ने खादिम से फरमाया ए, ए, न दे दो अच्छा यहाँ आप नहीं भी बोले तो चल गया लेकिन जो इसके बाद वाला जुमला है वहां आपकी खामोशी चल नहीं सकती इमाम हसन पाक रोटी मांगने वाले को चार हजार दिनार दे के फरमाते हैं माफ करी ओ ये जो उनवान है ना जन्नत वारिस इधर इन्हों की टोर वेखो फरमाने ने बेलिया माफ करी जो मेनू पता हाथ थोड़े ने महीने अच्छा ना ना, ना का इंतजार ना हफ्ते का इंतजार ना को पूरी दिहाड़ी का इंतजार ना चौबीस घंटों का आप मान लीजिए दो चार घंटे होंगे वो भाई पांच घंटे बच्चा बच्चा भूख से बैठा हो तो करना तो पड़ता है इमाम सारी जिंदगी की रोटियां देकर फरमाते हैं माफ करे जे जे मेनू पता हे तो 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 मुश्किल है मुश्किल है आगे बढ़ना मुश्किल है जे, तो जे तो मेनू पता हों के पैसे इनक थोड़े ने अनेक तनु ऐने दिते एने दिते तनु पता नहीं ये हम हैं जोली के साइज से भी ज्यादा देखकर ये ये ही फरमाते हैं ऐने की नहीं ये बड़े जरब वालों की बात है एक बात अब हम कहा पहुंचे हैं गौर से सुनना छोटे छोटे गली के बच्चे सड़क किनारे बैठे हैं ये एक अलग रिवायत है उससे जो हजरत मजलूम करबला के बारे में भी है और ख़ुद इमाम हसन पाक के बारे में भी है छोटे छोटे बच्चे इमाम हसन पाक से कहने लगे कि हमारे साथ हजूर ये खा लें लंगर खा लें रोटी खा लें डिनर कर लें सूखी रोटी छोटे छोटे बच्चे इमाम हसन पाक ने उनके साथ एक दो नवाले लिए और नवाले लेकर फरमाया पुत्रों मेरे को कह आया जे इमाम हसन पाक ने उनको तगड़ी रोटी खिलाई पैसे भी दिए बात हो गई लेकिन अभी एक लाइन बाकी है ये तो मसला ही कोई नहीं है बुलाया रोटी खिलाई ये तो इनका रोज का काम है क्या गए आपसे ये तो इनके रोज का काम है पर अल्लाह करे आप ये एक सतर कजा न कर बैठे इमाम हसन पाक ने उनको खाना खिलाकर बहुत कुछ नवाज कर फरमाया भाई एहसान इनाद ही है मेरी सख्त मजबूरी है कि मैं आपको देखते हुए ये जुमले पंजाबी में डालकर बयान करता हूँ और मुझे मेरी नीयत यही है कि मैं समझा दूँ आप कोई बात कजा ना करो गरीब मातड़ मुंडिया नु रोटी खवा के इमाम फरमा ने ये नहीं फरमाया वेख्या बचियो तुम भी सुखिया रोटियाँ चुकी फिर दे सो रोटी एनू आंदे देने जोड़े अस्सी तो खिलाई ला इमाम फरमा पाई एहसान तो इन्हों में मैं अभी आपके चेहरे देख रहा हूँ मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ फरमाया एहसान इना ओह सू तो रब कई कुछ दिता है ते जे विचो रोटी खवा भी दी केड़ी वी गल इल तो है ही रोटी सी क्या शान है इमाम फरमांदे इनके पास तो थी रोटी, थी रोटी। ते, भा। ते मेहरबानी ते इना की सानू खवाई है ए साडे कोल ते कई खोज जे रोटी खवाती ते केडी एडी वड्डी गल हो गई है ये है सरगारे इमाम हसन सखावत की एक रिवायत और सुनो सखावत की एक रिवायत और सुनो मस्जिद पाक है मस्जिद नबवी शरीफ आला साहिबा सलातो व ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਬਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ ਇਮਾਮ हसन ਬਾਗ ਮੈਂ ਵੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਅਲਮ ਬਿਸਸਲਾਮ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹ حضرت ਇਮਾਮ हसन ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਯਾ ਅੱਲਾ 10000 ਦਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ तेरी बड़ी मेहरबानी है मेरे उची ऊंची दुआ मांग रहा है इमाम हसन के पास बैठ कर मांगने का भी कोई तरीका होता है या अब कहीं दस हजार का मालिक बना देना मुझे तेरी बड़ी मेहरबानी तेरी बड़ी। इमाम हसन बाग नहीं उसकी तरफ देखा आप उठे आस्थाने पे तशरीफ ले गए साथ ही है दस हजार दिरम खादिम को दिया फरमाओ मसीते बैठा है बंदा तो ओनू दे दवी दस हजार मांगदा प्यासी ओनू दे दवी अब एक एक इतना सा जुमला संभाल के बैठा हूं जो इस सारे वाक्य की रूह है और अगर आपकी रूह है मदीना नहीं चली गई तो यही होंगी तो ये जुमले पे गौर करना वो मांग रहा है मस्जिद में दस हजार उसको दे आओ तो मेरा ना दसी शान है क्या बात है जनाब सुबह लहल सुबह इर्शाद पाक सुनो सौ सबकों का एक सबक सरगार इमाम हसन पाक का रदी अल्लाह तला अनवर दहू आपसे किसी ने पूछा इस सारे नालो सोनी जिंदगी हजूर के दी होंगी है फरमाया जेदी जिंदगी कोई शरीक हो वे। वैसे मुझे यूं रात के मुझे रू यू रात के एक बजे अख्ताम तकरीर पर इतना मुश्किल इरशाद शुरू नहीं करना चाहिए था कर दिया है तो पूरा करते हैं अब आपको देखते हैं

अब इस इर्शाद का मतलब क्या है मैंने आपको कहा ना मैंने इस वक्त ये बात छेड़ दी इमाम हसन करीम अलाजद्दल करीम वाले असलाद व वा तस्लीम फरमाते हैं अपने लिए तो सारे ही जीते हैं लुत्फ ये है कि किसी के लिए जिया जाए आवाज कमजोर आवाज कमजोर निहायत कमजोर खूबसूरत जिंदगी किसकी है फरमाया जो एक किस न रड़ाल है माठी तो माड़ी जिंदगी कह दी फरमा जिरा रुला मुराद मजीद तशरी क्या चाहते हो मजीद तशरी क्या चाहते हो रब ने खाने पहनने को दिया है ना तो फरमा खूबसूरत जिंदगी यह है कि जिसके पास खाने को नहीं उसके खाने का चारा कर दे पहनने को नहीं पहनने को मुहैया कर दे तू जिंदगी आशाइश की गुजार रहा पैसे की बरमार है वो भी है कभी गलियों मोहल्लों की नुकरों में जो छोटी छुड़ छोटी दुकानें होती है ना किरायाने की कभी वहां बैठा करें या कभी बाजार की करियाने की दुकानों पर ये हमारी माए बहने बीबियां दादियां और बाज हजरात वो थोड़े से पैसे मुट्ठी में पकड़कर वे वीर मावा दी दाल की पाए मूँगी दी दाल की पाए एक दो मूंगी दी दाल दे दे दो स्टांग मसरा दी दाल दे दे अच्छा पाइया किहो दे दे आध से चीनी दे दे वो जब आगे से बिल बनाता है ना पांच सौ रुपया फॉर एग्जाम्पल तो फिर उस वक्त किसी के चेहरे की तहरीर पढ़ो जब वो मुट्ठी खोलकर अमाउंट देखता है या बीबी देखती है और साथ ही काउंटर पर चीजों पे नजर दौड़ाती है कि ऐस तो बगैर भी गुजारा नहीं केड़ी बार, 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 केड़ी बार, आज दस हजार का पिज्जा खाए है खाइए ममनू नहीं है पर सिर्फ पांच सौ से भी किसी का हफ्ता गुजर सकता है इसे मत भूलिए ये करबला वालों का पैगाम है ये वारसा ने जन्नत की रूटीन है ये वारसा ने जन्नत की बोलेंगे जरा थोड़ा सा रूटीन है मौला पाक का फरमान सुनाऊं? अगर ये वक्त खास वक्त है याद रखने का अगर कोई रख ले मौलाए कायनात फरमाते थे मंगन उत्ते देना ते सखावत नहीं उन्दा

ये कोई सवाल ही बन के दरवाजे पे आए शुक्र अदा किया कीजिए कि रब ने हमें कुछ कोल नहीं थमा दिया इख्ताम तकरीर पर आना चाहता हूं और इमाम हसन की सखावत और सखावत में मांगने वाले की नफसे इज्जत का ख्याल हमने कोरोना के दिनों में देखा हमने सैलाब के मामला में देखा मैं क्या करूं इस तशहर का और इस जज्बे का कि जब एक आटे का थैला पकड़ाने के लिए बूढ़ी माओ की लाइने भी लगाई जाए और कहा जाए कि माँ तू ये थैला पकड़ तस्वीर खेचनी है थैले वाले हमारे रजाक होते तो हमारा क्या बनता मैं इतनी गहराई में तस्वूफ की दुनिया में इस वक्त अगर जाने का वक्त यही होता है जाना नहीं जाता व गन्ना मैं आपसे अर्ज करूं क्या अल्लाह की हमद के लिए लफ्ज ढूंढ के लाऊं कि बुद्ध के आगे माथा टेकने वाले को भी बाहर से प्रसाद मिले तो वो कह रहा है ये भगवान की यता है रब उसको भी रोटी दे रहा है नहीं समझ आई ना मैं नहीं समझा सका आपको मूर्ति को मूर्ति को सजदा करके आया है अभी और बाहर उसके लिए रोटी दाल पड़ी है ये रोटी सालन पड़ा है तो वो फिर कहता मूर्ति दे रही है ये मेरे रब की बेनियादी और शान नहीं है कि फिर भी उसको रोटी दे रहा है मिलाद शरीफ आ रहा भाई साहब मिलाद शरीफ मिलाद शरीफ मनाइए कारखानों वाले फैक्ट्री वाले मिल मालकान या जिनकी दुकानों वर्क वर्कर आठ दस की तादाद में काम करते हैं या जिनकी हवेलियों में या जिनकी कोठियों बंगलों में मुलाजम काम करते हैं याद करो आपके मजदूर ने मुलाजिम ने बेटी की शादी या घर के किसी मरीज़ के ऑपरेशन के लिए आपसे उधारे पैसे मांगे थे ये कह कर के हर माँ की तनख्वाह में काट लिया करें किसी का दस हज़ार रह गया होगा किसी का बारह हज़ार रह गया होगा किसी का पंद्रह हज़ार रह गया होगा मिलाज शरीफ का चांद मदीने पाक में तो आ गया है हमारे इंशाल्लाह कल आएगा तो क्यों ना इस दफा इस तरह मिलाद मना के भी देख लें कि अपने उस मजदूर और वर्कर को अपने दफ्तर में बुलाएं और प्यार से हाथ मिला के, के ओ ओ जो भी उसका नाम है यार सरकार दा आ गया है सरकार दा यार मिलाद आ गया है तो किन्ने सी पैसे तू देने जेरे जे दे। साहब जी पंद्रह हजार है और यारेन मिलाद पाक का तोहफा हो गया जाग रहे हो जाग रहे हो करके देखो करके देखो मरहबा, मरहबा, नौजवानों बस सिर्फ ये दो बातें हैं आपके साथ और दगी खत्म हुआ चाहती है फिर बैठेंगे हजरत इमाम हसन भाग का जिक्र खत्म तो नहीं हुआ फिर बैठेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे दमे आखिर करेंगे दमे आखिर करेंगे कबर में करेंगे हशर में करेंगे इनशा जब्ला इन शाहबल्ला जब दो बातें आपसे करना नौजवानों को एक तहरीक देना चाहता हूं कि आप जो है ना एक दोस्त एक 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 मशवरा देता है दोस्तों के बीच और यार मरी जाना है तो क्या होता है ठीक ठाक खर्चा आता है तो उस पर तैयार हो जाते हैं पांच पांच हजार यार पाना है तो कट्ठे आप सैर करके आनी है या फला जगह मेले पे जाना है सारे दोस्त तैयार हो जाते हैं कभी यारी या रुख एन भी बदलो ना जिधर इमाम हसन पाक की तबीयत है क्या ख्याल है वो तबीयत क्या है उन्हें तुम सुनाया है हजूर हसीन जिंदगी के दी बनाओगे जो कि इनशाला किसी का दारू बना लेकिन तस्वीर नहीं खिचानी कैमरा फरिश्तों के हवाले के नामायामाल विच फोटो ला दे रब के दरबार च पेश हो जाए करेंगे कोशिश करेंगे कोशिश इनशा मैं ये कह रहा था मुर्तजा ने फरमा बिन मांगे मांगने पे देना तो सखावत नहीं है वो तो बख्शिश है चल जरूरत जरूरतमंद और तू दरवाजे पे पहुंच के पूरी कर फरमाया सखावत इसको कहते हैं नब्स इज्जत का ख्याल वे वीर शटांग मामा दी दाल मूंगी दी दाल आई समझ के नहीं आई मुझे तो नहीं पता मेरी शुरू से आदत है मैं किताबों का मुताबा भी करता हूँ मैं बाहर का मताले का भी याद हूँ कहीं से कुछ सीखने और देखने को बात मिल जाए समझना चाहिए तो मैं ये कह रहा था कि वो मुट्ठी में पांच सौ का नोड़ या तीन सौ रुपए भी गुच्छू मुछू किए माँ या बाबा देख रहा होता है और यह भी देख रहा है कि हूं केड़ी कडनी समझ आई है और हम हजार रुपये चाहे कि कब कब आ रहा है और दो घूंढ भर के, के मजा नहीं आए पकड़ अपना कितना साहब जी बिल नौ सौ रुपया चल सौ तेरी टिप चल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इमाम हसन बाग का मिजाज ये है कि रोटी मंगन आए नुचार दिनार भी देते माफ करी तेन अड्डा इंतजार कराया मैं सदके मैं कुर्बान कुर्बान अब कुर्बाद आपकी जनाब में उस वक्त जब आप पांचवे खलीफा राशिद की ड्यूटी निभा रहे थे सैदना इमाम हसन करीम रदी अल्लाह ने एक बंदा तहरीरी तौर पर अपनी गुजारिशा लाया एप्लीकेशन और उसमें उसने अपनी डिमांड्स, अपनी जरूरियात लिखी थी समझ गई ये ये चाहिए ये चाहिए करीम ने दरख्वास्त पकड़ी और दरख्वास्त पकड़कर खोली भी नहीं पड़ी भी नहीं और इमाम हसन बाग ने अपने खजांची से सॉरी उस बंदे से फरमाया जिसने दरखास्त दी फरमा जो भी तू लिख के मंगे ना असद मैं आपको देख रहा हूं मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा और मैं चुप रहूंगा मैं आपसे अभी कुछ भी नहीं कहने लगा आप आप कहाँ गुम बैठे थे आप कहां चले गए एप्लीकेशन पड़ी भी नहीं पकड़ कर फरमा जो तू एच मंगे ना तो दिता जो मंगे है दिता जो मंगिया फिर खोल कर खजानची को फरमाया मंगे आते दे दे। ये, ये, ये मांगा है खजानची बड़ा दाना था ਬੜਾਈ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾ ਵਾ ਉਸਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਤ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਜੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਨਿਕਲੀ ਏ ਇਹ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ यानी जो उसकी डिमांड्स हैं वो हमारे पास ना हो तो फिर तुसा फरमाइए फिर कितने जान दे सुनेंगे अगली सतर जी जी जी। लेकिन लेकिन दिल के कान से दिल के ये सबक है कोई मुझे कोई मैं कोई फन खिताबत नहीं है मेरे पास हम तो मालकों का एक दर्द और जोक लेके गली गली फिरते हैं कि कोई ले ले वो मैं नहीं हूं अगरचे मुझे वो मिसरा याद आ गया है गलियों के गलियां दे विच फिरन नुमाणे लालांडे वनजारे हो हमाम हसन करीम ने अपने खजान से फरमाया दरखास्त फट दे फिर खोल दे फिर पढ़ दे फिर दे गौर कर दे इन्नी देर इस बंदे ने सवाली साढ़े दसीयत सा खलोता रहना सी असी इन्नी देर अपने बूहे से किसी नवाली नहीं बन के रहा असी इन्नी देर किसी सवाल ही दिए सीयत न खलोते नहीं रहन दे हाथ जोड़ के अर्ज है कभी डिसिप्लिन के लिए लाइनें लगवानी भी पड़ जाती हैं पर सूफिया फरमाने ना अपने आप नौकर समझिया कर और वो मैं ये कह रहा था तो मुझे इमाम कहा था कॉल मैंने आपको सुनाया किाके तो च भी होंगी हो तो फिर भी बंडी जाते होंगे हो तो आपने फरमा मैं कौन सा अपनी तरफ से बांटता हूं अल्लाह तला मुझे नेमते देता है मैं उसको आगे तकसीम कर देता हूं और मुझे इस बात का अंदेशा रहता है कि जे मैं बनना बंद कर देता तो देना बंद ना कर दे क्या कहें जनाब आप ये बात भी हजम कर गए आप ये बात भी हजम कर गए हजूर फाके में भी होते हैं बांटते रहते हैं फरमाया कि मेरा कह अपना है मालक देंदा है नाले में इस करके भी बढ़ता रहना है कि वो देना बंद ना कर दे भी तुसी क्यों नहीं दें ये सखावत है नूर इमाम हसन हैशतबा अला जदल करीम वाली सलात तस्लीम की और आखिरी बात इमाम हसन पाक की एक बहुत बड़ी बात तो मैंने ये बताई थी कि रुख अनवर महबूब की शबी ये कामिल है अब एक बात सुनिए आकासलाम ने हजरत इमाम हसन मुशतबा अला जद्दल करीमलात की जुबान पाक को कई मरतबा अपने दहन में लेकर चूसा कई मरतबा इमाम हसन के होटों को अपने मुबारक होटों में लिया कई मरतबा सीने से ऐसा लगाया और लगाकर अब मैंने पांच दीशों में से चौथी आ गई है मुझे याद है ना भाई साहब मुझे याद है मुझे याद है तीन हुई थी ये चौथी है चार यारों की नीना अनवर से लगाकर चूमा अब क्या करें? कभी उर्दू बोलते हैं तो उसमें वो वो चीज नहीं होती कि जो पेश आई होती है कभी पंजाबी वो हमारे एक सैयद आलम दीन थे वो फरमाते थे लफ्जा दे पल्ले की है हाँ कभी ऐसी बेबसी भी आती है क्या इसको कहें कि हजूर जिप्फा मार लिया हजूर करोड़ के सीने लाया है क्या लफज लेकर आए हाँ हजूर जुबानदान शरीफ में अता करते हैं खुद उनकी जुबान दान में लेते हैं और फिर वो अब वो क्या लफज कहू सरकार ने चूम करना और, और पता नहीं शाहजी आप ही की नजर ये जुमला है जो चूम रहे हैं और जिसको चूम रहे हैं दोनों सूरते एक हैं ला ला <ti> क्या कहोगे भाई क्या बात है क्या बात है क्या, क्या बाते कहेंगे बिस्मिल्लाह क्या बात है क्या बात है जो चूम रहे हैं और जिसको चूम रहे हैं क्या बात है जनाब क्या बात क्या बात इस मंजर की मंजर कशी कौन करे जन्नत का हुसन क्या चीज है जी इस हुसन के आगे एक तरफ एक तरफ एक तरफ सबबे हुसन और दूसरी तरफ हुसन हसन बाँ 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 नहीं समझ आई एक तरफ सबब हुसन, हुसन खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है पांचवी रिवायत अभी हम चार यारों के निस्बत से चार की आदत पर थे क्या बात क्या बात क्या बात विशाले जहरी के आखिरी अयाम थे और ये वो दिन थे जब करीम रोफुर रहीम अलीस्लाद तस्लिम ने मुसल्ले पर अपने यार बावफा

बारे इमाम बारे तेन को गल तू सा तू ना कौन गल नहीं की तू है तू ओति नहीं की साढ़े इन सारी सरकार भी यही पूछना है वो तो तू ना कौन है साढ़े खिलारे होमान मेहमान अजराज सुबह अल्लाह कहे मेहमान अजराज समझ वी, वी आई है इंतजामिया ने क्या कहा तेन को गल सा कर दा। तू सा मौलवी साहब क्यों नोलिया अस मर गए है नहीं सी जे उस वेले नहीं तो शामी में आ ही जाना सी मसीदा सदर साहब कह रहा है जनरल सैकटरी कह रहा है वजीरे खजाना कह रहा है समझ गए ऐनी सारी गल है हुजूर खिला रिया है मस्लते बेशक हुजूर खिला रिया है मस्लते हुजूर खिला रिया है मस्लते ऐंही इंकार ना करया जे मालिक का कयामत वाले जन पूछ लेना तू ना कौन है तू वो ना, ना।, ना कौन तू तो अबुबकर नु गल्ला नहीं कीतीया सानू कीतीया समझो समझो जिंदा हो तो समझो समझो सरकार ने गड़ा किया है तो बात कहां से कहां आई वो वक़्त जब हजूर सदीक पाक को हज़ू सातम ने मुसल पर खड़ा किया उन दिनों में सैयदा करीमा तया ताहरा ज़कीया मखदूमा हजरत बतूल जहरा मामूली बात नहीं है हसन पाक को मैंने अपनी सखावत और सखावत की थोड़ी सी झलक आपने चंद में सुनी सरदारी क्या है के गौसे आजम जितने हुए सुछान और सुछान। कुर्बे क्यामत आखिरी आज़म इमाम मोहम्मद मैदी होंगे वो तकरीबन सब के सब इमाम हसन की औलाद पाक से हुए आपसे जना आपसे ये ओ दया विलायत है जो सिर्फ इमाम हसन की औलाद पाक में इस माने में सिर्फ दो मिनट केक काटने में हर्ज नहीं लेकिन दो बातों का लिहाज रहे एक केक काटते वक्त ताली नहीं मौला यासली वसलम दाई मन आबादा ये याद नहीं तो सबसे औला आला। दूसरा कोई उस पर मोमबत्ती या फूक मारने की ज़रूरत नहीं और तीसरी इसके साथ कि केक के ऊपर के के गुमबद खजरा की शबी या जान आलमसलम का मुबारक नाम ये लिखना और फिर उस पर छुरी चलाना ये खुद मोहब्बत वाले देख लें अली मेरा नाम काट दे हजूर को रो फरमाते हर काम हो जाना ए नहीं होना हो तीसरी चीज हमारी माओ बहनों का भी हक है कि वो मिलाद शरीफ की खुशियों में शरीक हों लेकिन वो वैसे खुशी मनाएं जैसे मिलाद वाले चाहते हैं वसल्लम ग्यारह बारह को सजावटें देखने के लिए हमारे माशरे की बेटियां बहने माएँ गौल दर गौल जत्थे दर जत्थे निकलते हैं फिर लड़के हारा मनश उनकी वीडियोस बनाते हैं फिर यूट्यूब सोशल मीडिया पे चढ़ती है क्या आपका दिल इस बात को पसंद करता है कि इस गलती की वजह से कोई बंदा हजूर के मिलाद पर उंगली उठाए अगर नहीं तो आओ आज पक्का इरादा करो कि हम अपनी बहनों को अपनी बेटियों को अपने बहुओं को हम इन सब को घर की इज़्ज़तों को प्यार से समझाएँ कि बेटियों ग्यारह को भी तुमने घर में हजूर की महफल करनी है बारह को भी करनी है लंगर जेड़ा आंखो तो मोटरसाइकिल पे बैठो मैं तुम्हें लाइटें दिखाऊं ये कोई मौका नहीं वीडियो बना के उनको घर लाके दिखा दे उनका वहां जाना फर्ज नहीं है खुदा का वास्ता है नाम हबीब और मिलादे हबीब पर किसी को उंगली उठाने का मौका ना दो और वैसे भी यह शरी तौर पर जायज नहीं है तीसरी बात मिलाद शरीफ में कोई ढोर डंगर लाने बाद लोग तो घोड़ों को नचाने लग जाते हैं जुलूस में और इसी तरह ढोल इसी तरह नाचना गाना ना हो, हो सके तो हाथ बंधे हो हाथ खुले हो तो एक हाथ में झंडा हो सर पर टोपी हो खुशबू लगी हो और सरकार की आमद मरहबा किनारे हो जुलूस को फंक्शन नहीं हकीकी मानों में इबादत समझ कर अगर हम क़ से जाएंगे तो कभी भी रूहानी तौर पर खाली नहीं आएंगे करेंगे कोशिश एक और लाजिम गुजारिश रास्ते में जुलूस के रूट में बहुत सी दुकानें बहुत से मकान और बहुत से इबादत गाहें ऐसी आती हैं कि जो लोग मिलाद नहीं बनाते और मिलाद मनाने को जायज़ भी नहीं समझते लेकिन हमारा यह हक हाँ नहीं है कि हम उनकी ऐन दुकान के सामने खड़े होकर या एन उनके घर के दरवाजे पर खड़े होकर या उनकी ऐन इबादगाह के बाहर खड़े होकर इश्तियाल देने वाले नारे लगाएं और इस किस्म के नारे के बस आप किसी से उस दिन लड़ने नहीं निकल रहे आप तो इश्क मस्ती में निकल रहे हैं कि सरकार आ गए है सरकार आ ऐसे ही है भाई जुलूस मिलाद किसी के खिलाफ नहीं होता बल्कि आशिकों का महबूब से इश्क का इजहार होता है याद रह जाएगी बात इस प्यारे अंदाज से मिलाद मनाओ कि जो आज नहीं मना रहा वो कल आपका प्यार देख के कल आपके साथ शरीक हो जाए ये मेरा मशवरा है मेरी गुजारिश है इस्तेदा है। एक चीज मैंने कह दी है कि अपने वर्करों के पैसे माफ़ करके मिलाद मनाओ ठीक और एक इसमें और शामिल कर लें अपने गली मोहल्ले में पता ही होता है कौन सा घर गर गरीब घर गर है तो करियाने वाला दूध वाले के पास जाकर खाता पूछे किसी के नाम पर पंद्रह सौ रुपए चढ़े होंगे किसी के दो हजार तो चंगी गल यही है कि ए फोटो भी फरिश्तों बनान दई है देख लें, देख लें। फरिश्तों को बनाने दें और चुपके से उसको कह दें यार है जेडे पैसे ने तो रख लेते काटा फेर दे ऐसी ऐसी तो मैं नहीं कह सकता वो तो मुशाबत हो जाएगी बेमिसाल मिसाल सखावत सीखनी हो तो सैयद सज्जाद इमाम जैनिदीन पाक है वो भी कमा कर लेंगे भाई साहब नहीं थोड़ा बोलते हो थोड़ा बोलते हो थोड़ी थोड़ी इसकी कोशिश करें दुआगो हूँ अल्लाह ताला हमारे भाई बड़े प्यार वाले हैं और देर से मोहब्बतें बांटते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद अरशद साहब के वारसान जन्नत इनके इस नजराना अकीदत को कबूल करें और उनके सदके में अल्लाह ताला इनके वालदेन की बख्शिश फरमाए और एक पुल का किरदार हमेशा अदा करते हैं मिलाने का मोहम्मद लियाकत रदवी साहब मैं इनको प्यार से बाबा सुन्नत कहता हूँ